जय जवान संगवारी हो, मैं हरो कोमल देवांगन। अब आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल संगवारी हो, कल के मोदी के गारंटी जो है ओखर किसान के जो बोनस राशि रही से वो कल के सबो किसान मन मिल गए हैं। यही बेरा में कई जन किसान मन 8-10 हजार मिले तो कोनो 20 हजार तो कोनो 50 हजार तो कोनो लाखों रुपए भी मिले मिले हैं। यही बेरा में हमारे मेरा एक बड़का किसान बैठे है जिन्हें 1 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, लगभग 9 लाख रुपए के बोला मिले हुए है। ओकर से गौर बात करबो, जानबो कि का करी 9 लाख रुपए ला, ओकर कहाँ के रही है, कहाँ नाम हरे, कते कम खेत है, तमाम प्रकार के आप मन के मन में गौर मन हुई मनसा हुई ओला हम पूछे के प्रयास करबो। तो हमारे बीच में है किसान ओकर मन से पहले तो सबसे पहले आप मन के अब्बड़ कन बधाई हो, अब्बड़ कन पैसा मिले देखर कारण मोदी जी की बधाई है आपको, मतलब मोदी जी की बधाई देना चाहिए, गारंटी आज सक्सेस हो गए, अच्छा काम करी से हमारे किसान मन भर के पुराना पैसा रुके रही जिला गारंटी सहित वापस कर दी। और पहला काम सरकार के ये अच्छा लागत है कि पहला काम किसान भर करे ये बहुत अच्छा लगी। बिल्कुल पहली सबसे पहले आप मन अपन परिचय देते हो कि कहाँ के रहिया। टेढ़ा गौड़ा मोर गाँव है और मोर नाम विश्वनाथ सिंह, मेरे पिताजी का नाम से स्वर्गीय श्री जोधन सिंह है। मैं काश्तकारी 40 वर्षों से कर रहा हूँ और धान की खेती हम लोग ज्यादा करते हैं, चना उनारी तो करते हैं लेकिन बहुत कम होने लगा, इसलिए अब छोड़ दिए, सोयाबीन भी छोड़ दिए है, अब केवल धान के ही फसल कर रहे हैं क्योंकि रमन जी ने धान खरीदी शुरू करवाया, तब से लेकर के धान का फसल में हम लोग कर रहे हैं। और धान में दो ही प्रकार का धान बोते हैं हम लोग, महामाया और स्वर्णा। अच्छा, जो ज्यादा प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में देती है। अच्छा। तो इस प्रकार से हम लोग खेती करते पुराने किसान हैं और संयुक्त रूप से 5 भाई यहाँ खेती करते हैं। तो मैं ही बड़ा हूँ, तो बड़ा होने के नाते मेरे पास ही सब बवंडर रहता है और खेती ही तो हमारा मुख्य धंधा है, हमारे पास कोई अन्य बिजनेस है नहीं, हम लोग मूलभूत रूप से पिताजी के समय से किसान ही है। आप मन के पास कतका का अभी खेत हो ही ओला थोड़ा बता। अभी मोर मेरा तो 35 एकड़ के आसपास। पहली कते कर रही सेवा? पहली मोर मेरे करीब 200 एकड़ जमीन। 200 एकड़ गांव के मंडल है मतलब? हाँ, मंडल जो है ना बंटवारा हो गए सब। अच्छा, बंटवारा 5 भाई के तो 35-35 एकड़ मिले। अच्छा, कहा आप हम सोचे रहे हो की अतका कम पैसा मोला मिल जाए? नहीं नहीं, अब ऐसे ऐसे की सरकार देवो कहे रही से आशा तो रही से। अच्छा, मोदी जी जब आके मुंगेली में धकी चौ और गर्जना करी कि मैं अरे गारंटी है। अच्छा। तब लगे लगी इससे कि पैसा जरूर मिल जाए। अच्छा। अगर मोदी जी जो कहे थे इतने लाकर थे। अच्छा। सब विश्वास नहीं से और ठीक 15 दिन भी हुए। अच्छा। सरकार आए और पैसा मिल गए। अच्छा। तब अब वो गारंटी भी है, विश्वास में बदल गए। अच्छा, अब आज हमारे एक वक्त में काम दे जी, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, वो पैसा ला कहा करी है बताते हो? तो अभी अब हमार मेरे का है, हमार लड़की बाढ़े है। अच्छा, आधे बच्चर की है जी? हमार 28 साल की लड़की हो। अच्छा, तो विवाह करे बर रही से तो पैसा तो रही, धान बेचत रहते हैं पर अब कम हो गए जमीन तो कम पैसा रही से। परंतु ये मोदी जी गारंटी कारण हम लोग एकदम से एक खजाना टाइप के मिल गएगा, तब हम लोग एक पैसा उधार ले नहीं पड़े। ऐसे ऐसे अब हम बिहाव करबो बड़ा मगन के साथ, धूमधाम से करना है, धूमधाम से करना है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये सरकार हमारे बर किसान मन बर बहुत बड़ सौगात लेके आ गए। तो रिश्ता तो देख डरे हो बेटी? हाँ, करत हम जुगाड़ लग गए। अच्छा, लगभग बातचीत तो करत हम आगे बढ़त हम, काबर नहीं से थोड़ा थक मटात रहे। अब धान के पैसा आ ली तो बात करबो की के। अच्छा, अब धान के पैसा आ गए तो बात करब ना, मतलब मैं दिल ऐसे चट मांगनी पर भी। अब पैसा नहीं रिसे तो थोड़ा थरमल आते रहे, अब पैसा आ गए तो बल हो जाते नहीं पैसा। अच्छा, अच्छा। तो पैसा के बल हो गए तो अब ब्याह हो जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं है। अब छोटे घर में भी नहीं हो सका है काम, तब पैसा है तब को मेरा कह सका था के भाई तो जो मांगे तब देवो भाई। सरकार ने कुछ कही क्या? सरकार भाई मैं तो कुछ बता नहीं सकूं, काबर तो मोर बर तो भगवाने बरोबर वर्षा कर देगा।
कि मोर लड़का बाढ़ से बिहाव करे बर है और मैं यहाँ ढरमड़ा जाते हूँ। करते हैं जरूर, जुगाड़ करते हैं, जमीन बेचाती कुछ होती बिहाव तो करने से, लेकिन सरकार मोर बस बिल्कुल हाथ धर के मतलब आ गए। तब मैं है ना वो सरकार के मोदी जी के साय जी के अरुण साहू जी के सबके धन्यवाद देता हूँ कि आप मन हमारे ऊपर कृपा करे, किसान मन ऊपर दया करे, लेकिन मोर ऊपर तो विशेष कृपा हो गई। सत्य बात है, कहीं कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन आपके धन्यवाद है बार बार कि आपने हमको इसकी सहायता की और इस पुराने रुके हुए पैसे से आज हमारा काम आया समय पे, ये आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मेरे लिए तो मैं शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ मोदी जी को, आपका मोदी जी है जो सत्य पर चलता है, उसने दिखा दिया कि मेरी जो बात है वो सत्य ही है, आज हमको दिखने भी लगा है, ये आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये रही से सरवारी हो हमारे देश का तेरा दौरा के किसान है जो कि 9 लाख से अधिक रुपया कमा के आज जो अपन खुशी जाहिर करे थे, और संगे संग ये भी बतावा थे कि जो 9 लाख रुपए मिले हैं ओकर से अपन बेटी के बिहाव करने वाले हैं, और बिहाव ही नहीं पूरा धूमधाम से हंसी खुशी करने वाले हैं। और ये जो रही से गोल बात आप मतलब कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और इसलिए वीडियो आप मतलब देखे में रही तो बिल्कुल ये वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करिए। यही आते उम्मीद के सामने विदा लेवा था। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं विश्वनाथ सिंह ग्राम टेढ़ा दौरा का रहने वाला किसान हूं, और विगत 40 वर्षों से मैं किसानी का ही काम करता हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे और मैं भी किसान हूं। हम आपस में 5 भाई एक साथ मिलकर किसानी करते हैं और गांव में ही रहते हैं, और मुझे आज इस नई सरकार के द्वारा बोनस के रूप में जो बकाया राशि थी उसका 9 लाख रुपए मुझे प्राप्त हुआ है कल। उसके लिए मैं जो है आदरणीय मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी राशि अभी नहीं थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता था, लेकिन उनको बार बार धन्यवाद है कि वो मुझे इस राशि से और इस राशि के द्वारा इतनी बड़ी सहायता दिया कि मैं अपने पुत्री का विवाह करने में आज सक्षम हूं। किसी के पास कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं हुई, यह उनके लिए बार बार धन्यवाद का पात्र है कि वो मुझे इतनी सहायता किए, और उन्होंने सबको दिया होगा लेकिन मुझको अनजाने में इतनी बड़ी चीज उन्होंने दे दी है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें उनकी गारंटी के लिए बार बार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझको यह बहुत बड़ी सौगात दी है। और मैं विगत वर्षों से स्वर्णा और महामाया और खाने के लिए HMP जो है धान, उसके पहले हम लोग दुबराज बोते थे, दुबराज जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, कम होने लगा उत्पादन, तो हम लोग महामाया और स्वर्णा का ही खेती करते हैं और उसी से ही अपना जो है धान बेचने का काम, जो पहले आदरणीय ठाकुर साहब रमन सिंह जी जो थे उन्होंने शुरू किया इस धान का उपार्जन केंद्र का, उन्होंने भी धान खरीदी किया और उन्हीं की बकाया राशि के रूप में आज हमको जो सौगात मिला उससे आज हमारे एक कन्या का कन्यादान होगा। इससे बड़ी कोई बात मैं और इस सरकार के लिए नहीं कह सकता। और हम लोग खाद बीज आदि सब जो है वह सहकारी सेवा समिति बैंकिंग के द्वारा लेते हैं, जो कि बहुत वर्षों से हम सरकार की सहायता से लेते आ रहे हैं, और उसी तारतम्य में इस साल भी हम लोग लिए थे लेकिन छूट होगा करके, लेकिन हम लोगों का छूट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी राशि जो पड़ी हुई थी पुरानी वो मिल गई, वो छूट के ज्यादा है। इसलिए हम सरकार को बार बार पुनः पुनः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे
और मेरे जैसे कईयों को उन्होंने सहायता की, इसके लिए बार बार मोदी जी, शाह जी, अरुण साहू जी आदि सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और